तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत फोर्ज के स्टॉक के बारे में। भारत फोर्ज के स्टॉक में नया शेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट आई लेकिन कभी भी स्टॉक अपने यहाँ पर लास्ट लो का ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 6.33% की यहाँ बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज हमको तेजी था स्टॉक में यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो लास्ट टाइम स्टॉक का 934 का जो लेवल है यहीं पे अपना रजिस्टेंस फॉर्म किया था लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने का हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ से हम स्टॉक में बात करें तो यहाँ से अब स्टॉक में हमारे पास 975 का जो लेवल है ये यहाँ से स्टॉक में नेक्स्ट आप रजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1000, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1050 और अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक में 1100 से लेकर 200 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट आप रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो भाई यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 934 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो हमको स्टॉक में 896 फिर इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 842 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट आप सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।